भाइयों के इस दुनिया में एक देश है जिसका नाम है इंग्लैंड। उसमें एक छोटा सा राज्य है, उसका नाम है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के एक महान विचारक थॉमस कार्लाइल, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है हीरो एंड हीरो वर्सेस। इस पुस्तक के अंदर थॉमस कार्लाइल लिखते हैं, दुनिया में किसी देश को मिटाना है तो गोली और बम चलाने की जरूरत नहीं होती। गोली और बम से दुनिया के देश नहीं मिटते, और न ही किसी देश की सुरक्षा गोली और बम के द्वारा की जा सकती है। अगर किसी देश को मिटाना है तो आप उसके इतिहास को मिटा दें, उसकी संस्कृति को मिटा दें और उसकी विचारधारा को बदल दें, वह देश अपने आप मिट जाता है। गोली और बम से अगर देश मिटते तो 7 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया, लेकिन जापान दुनिया के नक्शों से मिटा नहीं और आज G8 कंट्री में सबसे पावरफुल बनकर आगे लीडरशिप कर रहा है। अगर गोली और बम से देश मिटते तो अमेरिका जैसा देश वियतनाम पर 16 बरस तक आक्रमण किया और 16 वर्ष के बाद घुटने टेक कर उसे वापस वियतनाम से जाना पड़ा। गोली और बम से अगर देश की रक्षा होती तो 6,240 परमाणु बम रखने वाला रूस और 7,00,000 फौज अपने बॉर्डर पे खड़ा रखने वाला रूस 1991 की साल में वह तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चेचेनिया, ग्रोजनी, जॉर्जिया, रोमालिया, सोमालिया बनने से रोक नहीं सका। रूस के 15 टुकड़े हो गए। वह देश का अस्तित्व जमीन तक बरकरार है जब तक उस देश के नागरिक उसके इतिहास के विषय में जानते हैं, उसकी संस्कृति के विषय में जानते हैं, उसकी सभ्यता के विषय में जानते हैं और उसके विचारधारा के विषय में जानते हैं। इटली एक जमाने में बर्बाद हो गया था, लेकिन इटली का महान साहित्यकार दांते ने इटली के गांव-गांव में घूमकर, घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया, इटली के इतिहास से अवगत कराया और जो डूबा हुआ इटली था, टूटा हुआ इटली था, उसने मेजनी, गैरिवाल्डी जैसे लोग को पैदा किया और इटली दुनिया में अपने अस्तित्व को फिर स्थापित किया। आप देखें, आज से 2000 वर्ष पहले जो सूरज, चांद, जो हवा, जो पानी अरब, इराक, ईरान, कंबोडिया, सीरिया, टर्की, लीबिया, लेबनान में होते थे वही आज है, लेकिन संस्कृति उनकी मिट गई। बोबोलिन की संस्कृति, रोम की संस्कृति खत्म हो गई, तो वह दुनिया से खत्म हो गए। मैं प्लांट साहब को अपने हृदय से धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि इतनी उम्र और आयु के अंदर इतिहास का गहन अध्ययन करना, उसके तथ्य को नागरिक, देश के नागरिक को अवगत कराना, उनको अपने इतिहास के प्रति एक जिज्ञासा पैदा करना, इस उम्र के अंदर जो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। परमात्मा इनको शक्ति, साहस और यश प्राप्त करे और जिससे ये अपने काम को आगे बढ़ाते रहे और अपनी दुनिया से जाने से पहले अपने जैसे कई प्लान और पैदा करके जाएं जो हमारे देश के इतिहास और सभ्यता को देश जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। ईश्वर इनको यशस्वी, तेजस्वी बनाए।